वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। जेएनयू में फीस बढ़ोतरी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले छात्रों ने बढ़ी हुई फीस को लेकर जमकर प्रदर्शन किया था और संसद कूच करने के लिए निकले थे। इन छात्रों पर उस वक्त भी कथित तौर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। अब खबर ये है कि छात्र राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च कर रहे थे। प्रदर्शनकारी इन छात्रों पर पुलिस ने फिर से लाठीचार्ज कर दिया है। गौरतलब है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों की हॉस्टल फीस में बढ़ोतरी का फैसला कुछ समय पहले ही लिया गया था। इसके कारण छात्र नाराज हो गए। उनका कहना था कि वो गरीब परिवार से आते हैं और बढ़ी हुई फीस का बोझ वो नहीं उठा पाएंगे। फीस कम करने की मांग को लेकर कई दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और ये छात्र आज यानी कि 9 दिसंबर को राष्ट्रपति से अपील करने के लिए निकले। छात्र फीस बढ़ोतरी पर राहत पाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलना चाहते थे। फीस कम करने की अपील करने के लिए इन छात्रों ने राष्ट्रपति भवन तक का पैदल मार्च निकाला। उनके इस पैदल मार्च को जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने भी साथ दिया, लेकिन खबरों की माने तो इसी दौरान पुलिस और मार्च कर रहे छात्रों के बीच झड़प हो गई और कथित तौर पर पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। हॉस्टल फीस के मसले को लेकर जेएनयू अब काफी मुश्किलों के दौर में है, क्योंकि 12 दिसंबर को स्टूडेंट्स के सेमेस्टर एग्जाम हैं। एक और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने ऐलान किया है कि अगर फीस नहीं घटाई गई, तो वे पढ़ाई के साथ साथ अब परीक्षा का भी बहिष्कार करेंगे। दूसरी तरफ आम स्टूडेंट्स इस मसले को लेकर इस वजह से परेशान और उलझे हुए हैं, क्योंकि जेएनयू प्रशासन ये साफ कह चुका है कि स्टूडेंट्स एग्जाम के बहिष्कार की अपील ना सुने। प्रशासन का कहना है कि एग्जाम की डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और जो एग्जाम नहीं देगा वो फेल हो सकता है या फिर उसका नाम जेएनयू से कट किया जा सकता है। वहीं एचआरडी मिनिस्ट्री ने दिक्कत और बढ़ा दी है, क्योंकि इस मसले पर उसकी हाई लेवल की कमेटी की रिपोर्ट आने के बावजूद भी उसे जारी नहीं किया गया है। अब जो छात्र प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है वे इस असमंजस में हैं कि वो एग्जाम दें या फिर ना दें। जेएनयू फीस बढ़ोतरी का ये हंगामा अब कहां जाकर थमता है ये देखना होगा। इस मामले के सारे अपडेट्स और डिटेल्स जनसत्ता आपको देता रहेगा। इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।